हेलो मित्रों, राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा कृष्णा 995 चैनल। मित्रों, आज मैं आपको अपने लड्डूपाल जी का श्रृंगार करके दिखाने वाला हूँ। तो मित्रों, चलिए श्रृंगार शुरू करते हैं। और सबसे पहले सुंदर सी ड्रेस मैं अपने लड्डूपाल जी को पहनाऊंगा। तो चलिए मित्रों, इस ड्रेस को पहना देते हैं अपने लड्डू लाला को। मित्रों, श्रृंगार करने पर आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे लड्डूपाल जी को श्रृंगार करते समय कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, चलिए ये ड्रेस उनको पहना देते हैं। और किसी भी ड्रेस को पहनाने के बाद उसकी सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। सेटिंग से ही पूरा लुक आता है। अब मैं इनको इनके कुंडल धारण करा रहा हूँ। तो ये ड्रेस येलो कलर की है, वैसे तो मल्टी कलर में है, तो येलो कलर के ही मैं कुंडल इनको धारण करा देता हूँ। और इसके बाद ये सुंदर सा चोकर हार मैं अपने लड्डू लाला को पहना रहा हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से पहना दिया। और अब ये लॉन्ग हार। मित्रों, अगर आपको लड्डूपाल जी का पूर्ण श्रृंगार करना है तो मित्रों, आपको ये आपके पास मित्रों इस तरह के आभूषण होने चाहिए, जिससे आप अपने लड्डू लाला का पूर्ण श्रृंगार कर सकते हैं। और इसके बाद ये सुंदर से इनके कड़े मैं इनके हाथ में धारण करा देता हूँ, जिनमें लटकन लगी हुई है। और दूसरा कड़ा भी मैं अपने लड्डू लाला को धारण करा देता हूँ। मित्रों, कुछ स्टेप फॉलो करके आप लड्डू लाला का बहुत ही सुंदर श्रृंगार घर पर कर सकते हैं। और मित्रों, इस समय मैं इनको ये जो स्टोन आते हैं मार्केट में, जिसको आप तिलक भी बोलते हो, छोटे साइज के तिलक मैं लड्डू लाला के गाल पर और इनकी ठूड़ी पर लगा रहा हूँ। इससे लुक बहुत ही सुंदर लगने लगता है और लड्डू लाला बहुत ही प्यारे दिखने लगते हैं। तो ये भी मैंने लगा दिया है। और इसके बाद अब मैं इनके केस इन पर लगा रहा हूँ। मित्रों, फिर वही बात कि आप किसी भी चीज़ को अगर लड्डू लाला को धारण कराते हैं तो उसकी सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। और सेटिंग से ही जो लुक होता है वो उभर कर सामने आता है। तो इसको आपको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी तरह से आप इसको सेट करें। और ये सुंदर सी मैचिंग की पगड़ी अब मैं लड्डू लाला को धारण करा रहा हूँ और इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। तो पग सेट हो गई है। और इसके बाद अब इनकी जो स्टोन वाली मुद्रिका है, ये दोनों हाथों पर मैं धारण करा देता हूँ। और ये कलिंगी मैं लड्डू लाला की पगड़ी पे लगा देता हूँ। और सुंदर से ये बुलाक मैं लड्डू लाला के नाक पर धारण करा देता हूँ। इससे लुक बहुत ही सुंदर लगने लगता है। तो ये मैंने इसको पहना दिया है। मित्रों, मेरे एक व्यूवर्स ने कहा था कि आप लड्डू लाला का श्रृंगार करके दिखाइए और स्टेप भी बताते जाइए। और अंत में मित्रों, ये जो लड्डू लाला की बंसी मैं इनको धारण करा देता हूँ। और अब सुंदर सी छवि आप मेरे लड्डू लाला की देख सकते हैं। मेरे लड्डू लाला सच के पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। आप कभी भी लड्डू लाला का श्रृंगार कर सकते हैं और एकादशी वाले दिन आप जरूर श्रृंगार करें। ये श्रृंगार मैं एकादशी पर ही कर रहा हूं। तो ये श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है मित्रों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है और मेरे लड्डू लाला भी बहुत प्यारे हैं, तो मुझे तो वो हर रूप में अच्छे लगते हैं। आपको श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर श्रृंगार से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मित्रों, ये भी एक श्रृंगार सेवा के अंतर्गत आता है। लड्डू लाला की भोग सेवा है, श्रृंगार सेवा है, जल सेवा है, तो आपको श्रृंगार सेवा भी करनी चाहिए। तो आज मैंने लड्डू लाला का श्रृंगार करके आपको दिखाया। फिर मिलेंगे, तब तक राधे राधे।